आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं आरएस अग्रवाल न्यू एडिशन से, ठीक है ना, चैप्टर 1B का। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स द रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34 रेस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि हमें वो लीस्ट नंबर निकालना है जिसको जब 20 से 25 से 35 से 40 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा 14, 19, 29, 34 ऐसा हमारा क्या आता है, रिमाइंडर आता है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम तो हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग पहले क्या है वो एलसीएम निकाल लेंगे, वो लीस्ट नंबर निकाल लेंगे जिससे एक पूरा पूरी डिविजिबल हो जाएगा, पहले वो हम लोग वो निकालेंगे। तो पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं, वो लीस्ट नंबर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखो, तो पहले हम लोग उसका जो है एलसीएम पहले निकाल लें तो क्या कैसे हो जाएगा हमारा। तो ये है, एक तो है आपका 20, ठीक है। तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2 पे पावर 2, 4 हो गया, 4 पंचे 20, ठीक है। चलिए उसके बाद हो गया 25, तो 25 को अपन प्राइम फैक्टर्स में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, है ना। चलिए उसके बाद है फिर 35 का अगर अपन निकालेंगे तो 5 7 35, तो 5 7 35, ठीक है। चलिए उसके बाद से 40 है तो 40 का अगर अपन निकालेंगे तो 40 का निकलेगा क्या कि 8 पंचे 40, यानी कि 2 टू द पावर 3 इंटू 5, 8 हो जाएगा 8 पंचे 40, ठीक है। अब मुझे निकालना है एलसीएम, तो ये निकाल रहा हूँ मैं एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थोड़ा समझना, जो सब में हो और क्या हो कि आपका जो मैक्सिमम डिग्री हो वो हम लोग लेते हैं, यानी कि 2 पे पावर जो है मैक्सिमम वो 3 है तो ये हो जाएगा 3, देन 3 इसमें तो कहीं है नहीं, 5 है देन 5 ले लेंगे, 5 पे मैक्सिमम पावर 2 है, 5 पे मैक्सिमम पावर 2 है एंड 7 है तो फिर 7 ले लेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 25 25 25 8 200, और 200 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 1400, यानी कि 1400 ये आ गया हमारा वो एलसीएम इन तीनों नंबर का। यानी कि क्लियरली है कि 1400 जो है ना हमारा, ये जो 1400 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, किससे होगा कि ये होगा एग्जैक्टली डिविजिबल 20 से, 25 से, 35 से एंड 40 से, ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। मगर हमें बोला कि रिमाइंडर आना चाहिए हमारा 14, 19, 29 एंड 34, ये हमारा रिमाइंडर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, तो समझना इस बात को, ईजी है, घबराना नहीं है। तो अगर हम देखो 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा आना चाहिए कितना, 14 आना चाहिए। तो अगर हम 20 में 14 को माइनस कर दें तो समझना, देखना कि अगर 20 में अगर हम 14 को माइनस कर दें तो यानी कि आंसर आता है 6, यानी कि ये जो 6 है अगर हम इस नंबर में 6 माइनस कर दें तो क्या होगा, उसके बाद अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे ना तो मुझे रिमाइंडर 14 आ जाएगा आराम से, 110% रिमाइंडर 14 आएगा। अच्छा अब 25 है, इस केसेस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 19, तो 25 को जब 19 से माइनस करेंगे तो हमारा इसमें भी आएगा 6, यानी कि क्लियरली ये बात हो रहा है कि हमें 6 माइनस करना है इसमें, तो हर केसेस में देखना आपको 6 ही आएगा। अब देखो तो 29 है तो 35 है ना, तो 35 को 29 से अगर माइनस करते हैं तो इस केस में भी आपका 6 आएगा। देन उसके बाद है 40, तो 40 में अपन जब 34 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 6 आएगा। तो ये देखो ये हमारा हर केस में 6 ही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि क्लियरली है कि अगर हम 1400 में 6 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा वो नंबर निकल जाएगा। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1400 माइनस 6 कर दो तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा कितना कि ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3, 1, यानी कि 1394 यही आपका जो है स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। यही बात मुझे बोल रहा था, यही क्वेश्चन चीज़ निकालने के लिए मुझे कह रहा था, ईजी था ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी खड़ा था। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।